है 13 जनवरी 2019, और 13 जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे, ये हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, और इन्हीं के जन्मदिन को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो कब हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन? 12 जनवरी 1863 को हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का जन्म, और कहां हुआ था? कोलकाता में हुआ था। अब स्वामी विवेकानंद जी से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में कब पार्टिसिपेट किया? तो 1893 में, 1893 में इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया। इतने क्वेश्चन आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में याद रखिए। अब बात है इंपोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन की। तो जनवरी में अभी तक कितने इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं, मैंने आपको सारे बताए थे। 1 जनवरी को मनाया गया था डीआरडीओ दिवस, उसके बाद 4 जनवरी को मनाया गया था विश्व ब्रेल दिवस, उसके बाद 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस, और इसी के साथ मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, और अब ये 12 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EIU डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अभी हाल ही में EIU डेमोक्रेटिक इंडेक्स में नॉर्वे रहा है टॉप पे, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत आना चाहिए कि आखिर ये EIU डेमोक्रेटिक इंडेक्स होता क्या है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनमें डेमोक्रेसी की क्या कंडीशन है, इसके बारे में ये सर्वे किया जाता है। तो इस बार इस डेमोक्रेटिक इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पे रहा है। अब नॉर्वे टॉप पे रहा तो अपना देश भारत कौन से नंबर पर रहा है? अपना देश भारत 42nd नंबर पर रहा है, यानी कि 42वें नंबर पर रहा है। अब नॉर्वे टॉप पर रहा है तो आप मैप में देख लीजिए, ये है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोना, और नॉर्वे की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एर्ना सोलबर्ग। ये अभी हाल ही में इंडिया भी आई हुई थी। अब इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो EIU लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो EIU की फुल फॉर्म होती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में GST परिषद ने GST पंजीकरण की सीमा को कितने लाख तक बढ़ाया है? तो अभी हाल ही में GST परिषद की 32वीं बैठक हुई, और इसमें GST पंजीकरण की सीमा को 40 लाख तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 40 लाख तक बढ़ाया गया है तो अभी कितनी थी? अभी 20 लाख थी, और अब इसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की अभी 32वीं मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई है, और यहीं पे जीएसटी पंजीकरण की सीमा को 40 लाख तक बढ़ाया गया है। अच्छा, जीएसटी की फुल फॉर्म आपको याद हो गई होगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि न्यूज़पेपर में नॉर्मली आता रहता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस, क्योंकि 1 जुलाई को ही जीएसटी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप सेंग चेंग किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो अभी हाल ही में सुप सेंग चेंग ताइवान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है सुप सेंग चेंग, और ये ताइवान के नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं। अच्छा, ताइवान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो ये है मैप में ताइवान। ताइवान की कैपिटल है ताइपे, ताइवान की करेंसी है ताइवानी डॉलर, और ताइवान के नए प्राइम मिनिस्टर तो यही नियुक्त हो गए हैं, सुत सेंग चेंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज
किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? तो अभी हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उज्बेकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गई हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, उज्बेकिस्तान के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, फिर भी आप मैप में देखिए, ये है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। और उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एस मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CTDP की 4थी बैठक कहां आयोजित की गई है? तो अभी हाल ही में CTDP की 4थी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी जो CTDP लिखा है इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। CTDP की फुल फॉर्म होती है काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? काउंसिल फॉर ट्रेड डेवलपमेंट एंड प्रमोशन। अच्छा, ये जो 4थी बैठक आयोजित की गई है इसकी अध्यक्षता की है हमारे वाणिज्य उद्योग एवं नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में LB मोर्कल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है LB मोर्कल, ये साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर हैं और अभी इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेणुका जी बहुद्देशी बांध परियोजना के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 6 राज्यों ने अभी हाल ही में रेणुका जी बहुद्देशी बांध परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये 6 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। इन 6 राज्यों ने रेणुका जी बहुद्देशी बांध परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब माइंड में यह आ जाता है कि आखिर रेणुका जी बहुद्देशी बांध परियोजना है क्या? तो इसमें क्या होगा, पानी के लिए 3 भंडारण क्षेत्र बनाए जाएंगे, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच में जो यमुना नदी है और उसकी जो 2 सहायक नदियां हैं टोंस और गिरी, इन पर पानी के 3 भंडारण क्षेत्र बनाए जाएंगे जिससे कि उस पानी का अलग अलग सेक्टर में यूज किया जा सके। तो ये है रेणुका जी बहुद्देशी बांध परियोजना और इसके लिए 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में आदि गोदरेज को ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है आदि गोदरेज और ये गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष हैं और इनको अभी हाल ही में ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी जो ICSI लिखा है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, इसकी फुल फॉर्म होती है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो ICSI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष आदि गोदरेज को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये जो नवीनीकरण ऊर्जा लिखा है इसको इंग्लिश में कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जिसे आप बार बार यूज कर सकते हो, जो नष्ट नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ये एनर्जी क्या होती है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हो, ये नष्ट नहीं होती, तो इसे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। और एक दूसरी टाइप की एनर्जी होती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला। इसे आप एक बार यूज करोगे उसके बाद ये नष्ट हो जाएगा, तो इसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और प्रेजेंट टाइम पे हर देश का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पे है, यानी कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इस पे फोकस सबसे ज्यादा है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत और फ्रांस के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब फ्रांस के साथ हस्ताक्षर हुए हैं तो आप मैप में देख लीजिए, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, एक और टर्म लिखा है इस क्वेश्चन में MOU। तो मैंने आपको बताया था 2 चीजें हुआ करती हैं, एक होता है MOU और एक होता है MOA। जब बात किसी भी कंट्री के साथ इनिशियल स्टेज में चल रही होती है तो MOU साइन होता है और जब बात पक्की हो जाती है यानी कि फाइनल हो जाती है तो MOA साइन होता है। MOU की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
और MOA की फुल फॉर्म क्या होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इन दोनों को मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल से याद कराया था। जैसे जब किसी की शादी की बात इनिशियल स्टेज में चल रही होती है तो तब क्या होता है, एंगेजमेंट होती है, तो एंगेजमेंट को आप MOU मान सकते हो। और जब बात पक्की हो जाती है तो क्या होता है, शादी होती है, तो फाइनल शादी को आप MOA मान सकते हो। इस एग्जाम्पल से आप MOU और MOA को कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने कब तक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इसरो ने 2021 तक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। यानी किस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, दिसंबर 2021 तक भारत के पहले मानव युक्त मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है इसरो ने। अब इसरो ने की है तो इसरो के बारे में आपको कई बार बता चुका हूं और आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, बेंगलोर में। और इसरो के प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष कौन है, के सिवान। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसरो की स्थापना किसने की थी, तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। इतना आप इसरो के बारे में हमेशा याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NSE के अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में अशोक चावला ने NSE के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अशोक चावला और इन्होंने अभी हाल ही में NSE के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये जो NSE लिखा है इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, तो NSE की फुल फॉर्म होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है, तो अभी हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में AIBA रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।